हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू के मिक्स पराठे। आप देख रहे हैं कि ये मीडियम साइज के 5 आलू लिए हैं। इनको हम कुकर में डालेंगे, चला देंगे और ढक्कन बंद करके 4 विशल आने तक पकाएंगे। ये आलू उबल चुके हैं, अब इनको हम एक प्लेट में निकालेंगे। अब हम इनको छील लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि सभी आलू छिल चुके हैं। ये हमने मेथी ली है, इसमें पालक है, ये प्याज है, ये थोड़ा धनिया है, ये हमने 1 चम्मच तेल ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे, 2 पिंच के हींग डालेंगे। अब प्याज अब इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इन्हें हमने मीडियम गैस पर पकाया है। अब इसमें थोड़ी मेथी डालेंगे, थोड़ा पालक डालेंगे, अब इसमें थोड़ी मिर्च डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, ये थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल सूख गया है। अब हम इनमें मैश किए हुए आलू डालेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इनको प्लेट में निकालें, इनको कढ़ाई से निकाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा धनिया मिलाएंगे। ये हमने आटे की लोई ली है, अब इसकी रोटी बनाएंगे। बीच बीच में थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, ऐसे। ये देख रहे हैं, ये मिक्स आलू है, ये हम अब पराठे में भरेंगे। हल्के हाथ से पराठा बेलेंगे। अब देख रहे हैं कि ये पराठा बन चुका है, अब इसको तवे पे डालेंगे। अब इसको पलट देंगे। अब इस पे रिफाइंड तेल लगाएंगे, तेल लगाकर पराठे को सेकेंगे। आप चाहे तो इसको घी लगाकर भी सेक सकते हैं। अब इसको पलट देंगे। मीडियम फ्लेम पे पराठा सेकेंगे। अब पराठा सिक चुका है, इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे और गर्म गर्म इन्हें सर्व करेंगे।